हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के चलते पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट आई है। लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पराली जलाने के जीरो बर्निंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार अग्रसर हैं। यही कारण है कि कभी समस्या बनी पराली अब किसान की आमदनी का अतिरिक्त साधन बन रही है। इस विषय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसानों को पराली के अन्य उपयोग के लिए प्रेरित करने के लिए हरियाणा सरकार किसानों से 50 रुपये प्रति क्विंटल पराली खरीदकर गत्ता बनाने या ऊर्जा उत्पादन के रूप में उपयोग हो सकने वाली जगहों तक पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का किसान अब जागरूक हो रहा है और किसान पराली को जलाने की बजाय उसका ढेर बनाकर सरकार या अन्य उद्योगों को बेचकर अतिरिक्त आमदनी ले रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पराली जलाने जैसी घटनाओं में भारी कमी आई है, जिसका प्रमाण सैटेलाइट चित्रों में देखने से मिल रहा है। हमने जो स्टबल है उसकी इकट्ठा करके उसको गांठ बना करके अपने पास रखें, उसको 50 रुपया कुंटल इसका रेट भी रखा है कि उसमें बेल बना करके और जहाँ इसका उपयोग होगा वहाँ हम पहुँचाएँगे। और जो इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ उपयोग होता है, जहाँ एनर्जी के प्रोडक्शन में, जहाँ और चीज़ें जो खास करके गत्ता बनता है, बाकी सब बनती हैं, तो ऐसी जगह पर उपयोग जहाँ होता है उन बेल्स को पहुँचाने का काम भी हम कर रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ किसान जागरूक हो गया है और वो इकट्ठा करता है, बेलर से बेल बनाता है, उसको एक जगह रखता है और जो कोई खरीदने आते हैं उसको दे रहे हैं। अब एक प्रकार का किसान के लिए लाभ का एक विषय बन गया है, लाभदायक उसको स्टबल जो है हो गया है। बहुत कम है, कहीं कहीं को जलाने की बात करते हैं, वरना हरियाणा में अब किसान जागरूक है और वो जलाता नहीं है। और हरियाणा जो है इस सारे में, चाहे सैटेलाइट की पिक्चर्स है, इसमें अब स्टबल बनने की घटनाएँ ना के बराबर है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।